नमस्कार, बीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने रखे अपने विचार, सरकार चलाना हम सबका काम है, भागवत की राय। नागपुर में स्वतंत्रता दिन के मौके पर शहर में हाई अलर्ट, सुरक्षा के लिए 2,200 पुलिसकर्मी तैनात। और दलित आदिवासी बस्तियों में बारिश के कारण भारी नुकसान, जिला कलेक्टर को दिया गया निवेदन। अब खबरें विस्तार से। एक पार्टी, एक सरकार, एक नेता से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन के लिए समाज जागरूक होने की आवश्यकता है। समाज खड़ा करने के लिए कुछ लोगों को समर्पण करना पड़ता है, कुछ लोगों को हौतात में स्वीकार करना पड़ता है, तभी देश खड़ा होता है। ये विचार संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ शताब्दी को लेकर रखे। संघ के लिए जो अनुकूलता है, ये भी संघ के लिए एक संकट है। सुख सुविधा यदि मालक बन गई तो मुश्किल है। स्टेटस और कंफर्ट से संघ को जूझना है, संघ को विवेक के साथ चलना होगा। संघ कार्य सत्य है और इसीलिए ये कार्य अविरत चलता रहेगा, इसके लिए संघ काम करता रहेगा। ये कार्य सभी के करने की आवश्यकता है। देश चलाना सरकार का काम नहीं, सरकार चलाना हम सब का काम है। संघ के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा तो देश को चलाने का दायित्व देशवासी दे सकते हैं, किंतु संघ का ध्येय स्वावलंबिता है। समाज को स्वावलंबन सीखना होगा। संघ बदलता रहा किंतु संघ के मूल्य नहीं बदले, मूल्य चिरंतर है और यही संघ की ताकत है। ऐसी राय संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने नागरिकों को दी। समाज कचखाऊ राहून चालत नाही, समाज हा असा उभा करावा लागतो, काचावला वीर पुढे जसेना अशी स्थिती अर्जुनाची झाली। त्याच्यामुळे कृष्णाला रथाखाली उतरून चक्र हातात घेऊन भीष्मावर चालून जावं लागलं। ते अर्जुनाला जागवण्याकरता होतं, भीष्माला मारण्याकरता नव्हतं, त्यांची प्रतिज्ञा होती कृष्णाची। संघ म्हणतो की हिंदू समाज आपली जबाबदारी पार पाडण्याकरता समर्थ झाला पाहिजे। नेते समाज घडवत नाही, घडलेला समाज नेते आपले बाहेर देतो, समाजातून नेतृत्व घडतो। त्यामुळे समाज परिवर्तनातून सगळ्या गोष्टी येतात, त्याच्यामुळे संघ हा संघटन करेल पण सगळ्या समाजाचं संघटन करेल। आणि संघटन करेल म्हणजे काय करेल, तर एखादी गोष्ट ही मला आव्हान आहे, एखादा अपमान होतो मला तो आव्हान केव्हा वाटतो, स्वाभिमान असेल तर आव्हान वाटतो, नाहीतर निमूटपणे मी अन्याय सहन करतो। त्या स्वाभिमानाकरता मला माझ्या स्वची ओळख असावी लागते। आपल्या देशामध्ये इतकी विविधता आहे, या सगळ्यांना जोडणारा स्व कोणता आहे, त्या स्वच्या पायावर सगळ्यांना निसंदिग्ध स्पष्ट होऊन उभं करावं लागेल, तेव्हा हे बळ येईल। संघटन म्हणजे संघ, विदर्भ साहित्य संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हा संघ शब्द फार जुना आहे, सांगितलं तथागतांपासून आहे असं नाही, त्याच्याही पूर्वी आहे। संघच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसी यानदा देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संघभावानी वागायचं का, कारण असं वागूनच देवानी काही काही म्हणजे त्याच्याही पलीकडे पूर्वीची परंपरा ते सांगते। आणि त्यामध्ये समाजाच्या भिन्न रीती भाती, खानपान रीतिरिवाज, भिन्न पंथ संप्रदाय, भिन्न भाषा प्रांत हे आड येत नाही। कारण पुढच्या रुचेत असं आहे, समानो मंत्र समिती समानी समानम मनसह चित्तमेषाम। विनोबाई याच्यावर टिप्पणी करतात, ते म्हणतात ऋग्वेदकारांना माणसांच्या मनाचं, प्रकृतीचं, मानसशास्त्राचं खूप ज्ञान होतं, याचा पुरावा या याच्यात आहे। सगळीकडे समशब्द वापरला, समानो मंत्र समिती समानी समानम मन, पण चित्त हा शब्द आल्यावर समशब्द नाही आहे, सहचित्त आहे। कारण मनुष्य हा प्राणी असा आहे की प्रत्येकाचं विश्व वेगळं असतं, एकाच विश्वात राहू नये, प्रत्येकाचा आपलं एक विश्व असतं, प्रत्येकाचा आपला एक विचार असतो, प्रत्येकाचं आपलं मत असतं, आवड निवड असते।
त्याप्रमाणे तो स्वतःला ठेवतो. त्यांच्या मनामध्ये चित्तामध्ये समानता आणणं शक्य नाही, किंबहुना त्यांच्या चित्तामध्ये विविधता असणं हे प्रकृतीचं सौंदर्य आहे. म्हणून ऋग्वेदकारांनी समशब्द न वापरता सहज चित्त वापरला. हे सगळं असून सुद्धा हे सगळे एकत्र राहतील सहभावना. ही सहभावना सगळ्या समाजात उत्पन्न करायची. तो समाज सगळा विचार करेल. देशापुढे आव्हान पुष्कळ आहे, ही सगळी स्वीकारली पाहिजे. हा विचार करून संघ सुरू झाला आणि आता 100 वर्ष पूर्ण होतील 25 मध्ये. या 100 वर्षाचा अनुभव जो संघाचा आहे, एकतर संघाला सगळ्या समाजाला संघटित करायचं असल्यामुळे विरोध होतो, असं होतं तसं होतं, ही काही आव्हानं नाही, ही एक स्थिती आहे ज्याच्यातून आम्हाला जावं लागतं. उपेक्षेची एक स्थिती होती, पार केली. विरोधाची स्थिती होती, ती जवळजवळ पार झाली आहे. अनुकूलतेची स्थिती आहे, त्याच्यातही सुखरूप पार व्हायचा आहे. आणि सगळ्यांनाच जोड आहे. कालचे विरोधक सुद्धा हे संघाचे झाले पाहिजे. ते सगळे लोक संघाच्या शाखेतच येतील असं नाही आहे. परंतु मूळ संघ काय आहे? प्रामाणिकता, देशभक्ती, अनुशासन, स्वचं पक्क आणि स्पष्ट भान, आपल्या राष्ट्राविषयी स्पष्ट कल्पना आणि जीवनामध्ये देशाकरता जगण्या मरण्याचा निश्चय, हे वातावरण समाजात असलं पाहिजे. प्रत्येक माणूस तसाच होईल असं नाही आहे. परंतु समाज हा फॅशनमध्ये चालतो. त्यामुळे समाजातले ज्यांच्या मागे समाज जातो त्या लोकांचं व्यक्तिगत आणि राष्ट्रीय चरित्र हे असं असलं पाहिजे. VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट. नागपुर के संविधान चौक के पास रिजर्व बैंक के आगे आज एक चलती नैनो कार में आग लगने की घटना सामने आई है. इस कार को अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है. इस घटना में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है और दमकल विभाग ने घटनास्थल पर दाखिल होकर आग को बुझा दिया है, जबकि आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है. बदलते समय के साथ छोटे बड़े अपराध ही हाईटेक हो गए हैं. हालांकि ये पुलिस के लिए एक चुनौती प्रतीत होती है, लेकिन पुलिस ने भी तकनीक की मदद से अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अपने स्वयं के सिस्टम विकसित किए हैं. इन्हीं में से एक है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसे पुलिस ने 1998 से बनाया है. नागपुर ग्रामीण पुलिस CCTNS प्रणाली का उपयोग कर अपराधियों का डेटाबेस बनाने में राज्य में तीसरे स्थान पर है, जो महाराष्ट्र राज्य पुलिस बल का प्रमुख है. जालना पहले और रायगढ़ पुलिस ने दूसरा स्थान हासिल किया है. प्रदेश भर में अपराधियों के लिए CCTNS सिस्टम दुःस्वप्न साबित हो रहा है. जब नागपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया जाता है तो अपराध और अपराधी की जानकारी CCTNS में फीड की जाती है, तो इसने अपराधियों की जानकारी कहीं भी और कभी भी एक क्लिक से प्राप्त करने में मदद की है. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क सिस्टम को 15 सितंबर 2015 को राज्य भर में अपराधियों पर एक क्लिक की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था. सिस्टम 1998 से अपराधों और अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है. यदि राज्य के किसी भी थाने में कोई अपराध दर्ज होता है तो उस अपराध की जानकारी CCTNS प्रणाली में ऑनलाइन भरी जाती है. ये व्यवस्था देश भर के पुलिस थानों में लागू है. अपराधियों की पृष्ठभूमि जानने के लिए ये व्यवस्था पुलिस के लिए वरदान है. CCTNS एक क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम जी परियोजना है, ये संपूर्ण देश भर राबवली जाते. पोलीस खात्यामध्ये जे काही गुन्हेगारांच्यावरती वास ठेवणं किंवा गुन्हेगारांची माहिती संकलित करणं, या दृष्टीने हे एक पोलीस शासकीय स्तरावरती पोलीस विभागामध्ये याची एक माहितीची जंत्री म्हणून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ही माहिती सेव्ह केली जाते. त्यामध्ये FIR, अरेस्ट, पंचनामे, नंतर मिसिंग किंवा इतरही कोर्ट डिस्पोजल, या सर्व जे पोलीस विभागामध्ये काम होतं त्याची माहिती याच्यामध्ये दिलेली असते. विशेष करून मिसिंग पर्सन, अनआयडेंटिफाईड बॉडीज,
किंवा इतरही विभागाच्या याच्यामध्ये संपर्क असतो आणि यामधून एक मोठ्या स्वरूपामध्ये माहिती एकत्रितरित्या म्हणजे संकलित केली जाते पोलीस स्टेशन. मागील जून महिन्या ज्यामध्ये आमचे रँकिंग याच्यामध्ये थर्ड रँकिंग आलेली आहे आणि आम्ही याच्यामध्ये सातत्याने सुधारणा करत आहोत. पहिला जानेवारी फेब्रुवारी मार्च या दरम्यान आम्ही 15 किंवा 16 नंबरवर होतो. साधारणतः 65% आमचा ॲव्हरेज होतं त्यामध्ये एकत्रित कामाचं. परंतु एप्रिलमध्ये पासून एप्रिललासुद्धा आमचा 15 नंबर होता. मे आणि जूनला मात्र आम्ही 8 नंबरवर आलो. 86% आम्हाला त्यामध्ये यश आलं होतं आणि जूनमध्ये मात्र आम्ही 93%पर्यंत आम्ही त्यामध्ये गेलेलो आहोत आणि आम्ही आता राज्यामध्ये थर्ड आहोत. निश्चितच आम्ही यामध्ये आणखीनही चांगलं काम करून राज्यामध्ये फर्स्ट येण्याचा प्रयत्न करत आहोत. फर्स्ट येणं हा याच्यामध्ये उद्देश नसून संपूर्ण व्यवस्था चांगल्यात चांगल्या आणि निर्दोष पद्धतीने कशी काम करेल हे आमचं मोटो आहे. आणि यामध्ये माझा जो स्टाफ आहे, विशेष करून आमच्या CCTNSमध्ये काम करणाऱ्या महिला वर्ग आहे किंवा पोलीस स्टेशनचा जो अधिकारी कर्मचारी किंवा महिला वर्ग आहे, हा सातत्याने या एंट्री घेत असतो. त्याची माहिती संकलित माहिती निर्दोष पद्धतीने तातडीने 24 तासाच्या आत ती भरण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि या योजनेतून आम्ही निश्चितपणे चांगले यश. खुफिया एजन्सियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नागपुर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देश विरोधी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, संघ मुख्यालय, दीक्षा भूमि पर आज से सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी. यातायात शाखा के 300 पुलिस कर्मियों समेत कुल 2200 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है. सीमा के बाहर से शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की गहन जाँच की जाएगी. नागपुर में महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और सशस्त्र कर्मियों को तैनात किया गया है. गणेश विसर्जन तक हाई अलर्ट रहेगा. नागपुर पुलिस 11 से 15 अगस्त तक 5 दिनों में अमृत महोत्सव मनाएगी और सभी 5 दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों की दावत होगी. पुलिस ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध के प्रति जन जागरूकता, मेडिको लीगल कैंप का आयोजन किया गया. पुलिस आयुक्तालय के पतंगन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. 14 अगस्त को पुलिस मैराथन का आयोजन किया गया है. इस साल पहली बार नागपुर में पाइप बैंड का आह्वान किया गया है. बच्चों के लिए एक प्ले जोन, खाने के लिए विभिन्न फूड स्टॉल लगाए जाएंगे. साथ ही पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि नागरिकों के लिए शिकायत निवारण कार्यक्रम चलाया जाएगा. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. स्वागत है.
विदर्भ शाहिर कलाकार परिषद और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अन्नाभाऊ साठे जयंती, गुरु पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह और स्वर्गीय धर्मराज भिवगड़े की पहली पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने किया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद की चेयरपर्सन रश्मि बर्वे ने अपनी बांध रखते हुए कलाकार की पीड़ा को जानबूझकर खड़ा करते हुए आश्वासन दिया कि वो न्याय और अधिकारों की लड़ाई में पूरी तरह से भाग लेंगी और उनसे मिलेंगी। इस बार विदर्भ के शाहिर कलाकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कलाकारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वीकेबी न्यूज़ के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। चंद्रपुर जिले के चांदा अंतर्गत आने वाले रेलवे बल्लारपुर से काजीपेट इस मध्य रेलवे के मार्ग पर रेलवे की टक्कर में बाघ की दर्दनाक मौत हो गई है। इसी बात की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर दाखिल हुई। टीम ने घटना का पंचनामा किया। इस रेलवे मार्ग पर कई वन्य जीवों की जानी जा चुकी है, इसलिए वन विभाग द्वारा मार्ग के बाजू में नेट लगाने की मांग की जा रही है। नागपुर जिले के साथ ही संभागीय जिला निवासी अधिकारी विजय बनकर को आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा निवेदन दिया गया। 6 अगस्त को भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर ये निवेदन दिया गया है। इसी तरह नागपुर के नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी को भी उन्होंने निवेदन दिया। बहुजन समाज पार्टी दक्षिण पश्चिम विधानसभा, रामबाग, इमामवाड़ा, इंदिरा नगर, जातरोड़ी के माध्यम से जोन नंबर 3 धंतोली के अंतर्गत इन दलित आदिवासी बस्तियों में बारिश से 100 से 150 लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इस कॉलोनी में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग और हाथ से काम करने वाले मजदूर रहते हैं। उनका खाद्यान्न, बच्चों की पाठ्य पुस्तकें, कपड़े, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपुल तमगड़गे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय में बयान दिया गया। इस बयान में प्रभावित परिवारों के कई मजदूर वर्ग के सदस्यों, जिनके घरों में पानी भर गया था, उन्होंने भाग लिया। जिलाधिकारी ने तहसीलदार को आदेश देते हुए प्रभावित कॉलोनी में सर्वे कराकर विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष ओपुल तमगड़गे, उपाध्यक्ष बंडू मेश्राम, महासचिव विशाल बंसोड, कोषाध्यक्ष अशोक गुंडानी, सेक्टर अध्यक्ष पंकज नखले, बसपा कार्यकर्ता सुरेंद्र डोंगरे, रमेश वानखेड़े, आदेश रामटेके, सुंदर भल्लाभी, हर्षवर्धन जिभे, आशीष गजभिये, रेखा गजभिये, सुनीता भगत, शशिकला रंगारी, वीना वानखेड़े, उज्ज्वला वानखेड़े, मांडा भगत, संध्या रंगारी, प्रांजलि कामले, सुमन बागेश्वर, शुभांगी चौहान, अश्विनी नाइक, दीपाली तिरपुड़े। इस अवसर पर सभी प्रभावित परिवारों की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आयोजक पर्यवेक्षक संगीता चंद्रिकापुरे द्वारा आयोजित पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में रामटेक तालुका मानसर सर्कल और कांद्रे सेवकों और सहायकों ने एक सब्जी उत्सव का आयोजन किया। रामटेक ने शीतलवाड़ी टी पॉइंट पर एक स्टॉल लगाया और सभी आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया। इस वक्त जंगली सब्जियों के महत्व को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर आयोजक पर्यवेक्षक संगीता चंद्रिकापुरे एवं रंजना कामले पर्यवेक्षक एवं समस्त सेवक एवं सहायक उपस्थित थे। सूत्रों के अनुसार गोंदिया छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को जोड़ने वाली ट्रेनें रेलवे प्रशासन की लापरवाही से इस भारी वर्षा में जहां बसेस भी बंद है, वहीं 9 तारीख से 15 अगस्त तक करीब 72 ट्रेनें रद्द की गई है।
तीन राज्यों की ट्रेन यात्रियों के साथ धोखाधड़ी कर हजारों यात्री वंचित होकर भारी तकलीफ में है। स्टेशन में भूखे प्यासे यात्री व मजदूर है। इस रेलवे प्रशासन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी ऐसा कहा जा रहा है। लक्ष्मण लद्दानी, मैं पुरजोर विरोध करता हूँ इस बात का कि यात्री ट्रेनों को कैंसिल करके राखी जैसे त्यौहार में और मालगाड़ियों की रवानगी की जा रही है और बहुत ज़्यादा बारिश के कारण पूरे रोड रास्ते भी बंद है, बसें बंद है और हज़ारों यात्री हर प्लेटफार्म पर फंसे हुए हैं और काफ़ी गाड़ियाँ कैंसिल की गई है। तो लोग त्यौहार में आएंगे जाएंगे कैसे और किस तरह की परेशानी हो रही है कि कोयला गाड़ियों को ज़्यादा चलाया जा रहा है, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। तो मेरी रेल प्रशासन से मांग है कि इस और पूरा पूरा ध्यान दिया जाए और अनावश्यक गाड़ियां न चलाते हुए यात्री गाड़ियों को पहले ध्यान दिया जाए। तो बीकेपी न्यूज़ के प्राइम टाइम न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेपी न्यूज़। नमस्कार।